Have you done any shopping from USA? तो आपने बोलना है yes, फिर वो बोलेंगे how much? Okay, so how long in the US? One day. One day, yeah. Just driving through? Yes. मेरा और राहुल भाई की दोनों की हालत ऐसी टाइट हो रखी है और वहां पर कनाडा एंड हो जाता है भाई. इसके आगे सारा का सारा अटलांटिक ओशन है. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग. तो भाई हम लिटरली इस समय ना कनाडा और यूएस के दोबारा से बॉर्डर पर आ गए हैं. अब हम यूएस से कनाडा की तरफ जा रहे हैं. शिपिंग करने के लिए जो हमारी गाड़ी ये जाएगी, प्यारी सी गाड़ी हमारी जो ये जाएगी यूके, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं. आज है जुलाई 15 और हमारी गाड़ी जुलाई 17 को जा रही है. अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है. सो फाइनली इसको विदाई करने का टाइम आ गया है. ऑलमोस्ट 12,000 से 13,000 किलोमीटर भाई गाड़ी चला दी है कनाडा और यूएस के अंदर. तो वापसी जाएंगे बॉर्डर करके अपने देश, अपने वतन. यहाँ से लिटरली 2 किलोमीटर उस वाले डायरेक्शन में हमारा बॉर्डर आ जाता है कनाडा और यूएस का. और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कनाडा वाले जो हमारे देश वाले हैं भाई, वो कितना ईजिली मतलब कैसे वेलकम करते हैं हमारा. लिटरली बता रहा हूँ, जब यूएस के अंदर घुसते थे ना, 1 से 2 घंटे इंटेरोगेशन हुई थी भाई प्रॉपर. अब देखना कितना ईजी होगा, सिर्फ एक पीआर कार्ड दिखाना कि हेलो आए हम वापसी. और ये देखो भाई, ये रहा यूएस और कनाडा का बॉर्डर दोबारा से. और हम यहाँ पे ये होल्टन करके जो जगह है यहाँ पर हम बैठे हुए हैं. यहाँ से हमारे को ऑल द वे माउंटन जाना है. माउंटन के बाद सीधा नोवा स्कॉशिया और यहाँ पे कहीं हेलीफैक्स है. हेलीफैक्स में जाकर हम अपनी गाड़ी दे देंगे. तो ये जाएगी, अब यहाँ चलते हैं आगे बॉर्डर पर, आप लोगों से मिलते हैं. और अभी तक तो भाई मैं सो रहा था, लिटरली 3 घंटे सोया हूँ, भाई ने फिर दोबारा उठा दिया. तो बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर मैं दोबारा से सोऊंगा थोड़ी सी देर के लिए. तो चलो. तो भाई फिर दोबारा 3 पासपोर्ट है. 3 पासपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि 3 लोग हैं, 2 लोगों के 3 पासपोर्ट है. हम थोड़े स्पेशल है तो हमारे पास 2 पासपोर्ट है. जब हम बॉर्डर पहुंचेंगे ना तो वो लोग पूछेंगे Have you done any shopping from USA? तो आपने बोलना है yes, फिर वो बोलेंगे How much? तो फिर आपने बोलना है approximately 500-600 USD. That is it. ठीक है, क्योंकि दो जने हैं तो वो एक सेट अमाउंट होती है दिन की जो कि लीगल है. बिल्कुल सर. स्पीड लिमिट 25 miles per hour. अभी कर दिया हमने धीरे. तो यहाँ 25 माइल है भाई, वहाँ जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे वहाँ पे फिर दोबारा से 1 km/h हो जाएगा. अभी भी हल्का सा टेढ़ा लग रहा है धीरे. ये क्या है भाई? आई हैव नो आईडिया व्हाट इज दिस. ओके, बॉर्डर आगे लग रहा है. लो ये तो हम बॉर्डर आ भी गए. ये मुझे लग रहा है यूएस साइड है, राइट? हाँ, ये यूएस साइड का हमारा पासपोर्ट कंट्रोल. जब वहां से आएंगे तो यहाँ पर हमारे को वहां जाना है. बहुत इजी होगा, वहां पे चेक पोस्ट पे एक ऑफिसर बैठा होगा एंड दैट्स इट. यूएस साइड तो पार भी हो गए. अब हम जा रहे हैं अपने, ये देखो यहाँ पे जो साइन है वो आ गया 30 km/h. अभी जहाँ पे हम है वो नो मैन्स लैंड है. और अब जहाँ पे हम जाएंगे, सामने हमारा बोर्ड दिख गया होगा कनाडा का, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी. बिल्कुल सुनसान पड़ा है बॉर्डर, हम अकेले ही हैं देखा जाए तो. यहाँ पे सबसे लेफ्ट वाली लेन जो है वो लेनी पड़ेगी हमें. और स्टॉप साइन पे स्टॉप लेना है, और स्टॉप साइन पे करना है बॉर्डर इंस्पेक्शन कनाडा. ये लो भाई हमारी कंट्री का बहुत सुंदर सा फ्लैग. स्टॉप. हैव योर आइडेंटिटी कार्ड्स रेडी? यस, वी ऑलरेडी. पीछे के वो खोल देना. ये लो जी, शीशे डाउन चारों. Yes. So a little bit of time, better road, cheaper gas. Somebody said there are floods in Quebec, so we are heading to Halifax. Okay. So we thought maybe this route is going to be better. Yeah, I know a lot of people do it. Yeah. All
right. Did you have a chance to do any shopping while you're in the States? Yes, a little bit. Okay, so what do you claim for purchases in the States? Some clothes and just one pair of shoes. One pair of shoes. Okay, so how much did you spend? Around $300 USD. So okay. Around $430. Between both of you, or is that all together? Both. Both of us. Okay. Yes. Pick up any alcohol or tobacco? Nope. Any cannabis goods? Nope. No. Any firearms or the weapon? Nope. Any food, plant, animal products? Nope. Any fresh meat, fresh produce? Nothing. You got two bikes there or just one? Thank you so much. Thank you so much. So finally done. Literally, मतलब we are back home. Hardly मतलब कितने? एक मिनट लगा होगा कि भाई बस उन्होंने verify करा कि कुछ लिया तो नहीं है और वो सारे questions जो basic questions होते हैं that's it and we are back in Canada. So guys finally New Brunswick आ चुके हैं border crossing में literally दो ही मिनट लगे. जो ऑफिसर थे he was very humble. उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो रैप के बारे में फिर दोबारा बातें हुई and everything was fine. एक टाइम पे मेरे को लग रहा था कि वो कैमरा बंद करवा देंगे बट ही वॉज ओके विद द कैमरा एंड एवरीथिंग एंड न्यू ब्रंसविक आ गए. यहाँ से कुल मिला के और दो घंटे की हमारी दौड़ और रह गई है जहाँ पे हम नारे को जाना है माउंटेन जाएंगे. वहाँ पे मेरा एक दोस्त है भाई उसके घर पे जाके आराम से चाय वाय पियेंगे नाश्ता वाश्ता करेंगे और वहाँ से आगे निकलेंगे हैलीफैक्स. पता नहीं क्यों जितनी बार भी मैं US से कैनेडा आता हूँ ना हमेशा एक रिलीफ मिलता है कि हो आगे जी वापस अपने देश. देखा जाए तो वैसे दोनों की दोनों जो कंट्रीज़ है ऑलमोस्ट सिमिलर है अगर आप लैंड के बारे में बात करो दोनों इक्वली बड़ी हैं. बस कनाडा में थोड़ी सी कम पॉपुलेशन है और जो हमारा US है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो कनाडा में लगा लो 3 करोड़ पॉपुलेशन होगी तो US में 33 करोड़ है और इंडिया में 133 करोड़ है. तो फ़र्क देखो कि कितनी पॉपुलेशन का फ़र्क है. कनाडा का पहला टोल $4 का टोल है ये एंड ठीक है देख के निकलेंगे आगे. इस समय हम हैं नोवा स्कॉशिया तो मैं पहली बार आया हूँ भाई नोवा स्कॉशिया एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर. सुबह वहां से न्यू ब्रंसविक से चले हुए 6 घंटे के आसपास हो गए हैं और अभी हम पहुंच गए नोवा स्कोशिया में. यहाँ पे आ गया एक टोल. तो हमारे कनाडा में टोल नॉर्मली होते नहीं है. सारे जो रोड हैं वो पब्लिक ही है. बहुत रेयर है कि कुछ एक जो रोड है उनके ऊपर टोल टैक्स भी है. तो यहाँ पे $4 हमने पे करने हैं उसके बाद आगे बढ़ना है. नोवा स्कोशिया में इससे पहले भी आया हुआ हूँ. मेरे क्लाइंट है उनकी हियरिंग थी यहाँ पे एडमिसिबिलिटी की रिलेटेड तो उसमें मैं उनको रिप्रेजेंट करने आया था एक बार बट तब मैं आया था फ्लाइट से. आपकी बार आ गए कार से तो ऑलमोस्ट में गया सारे जो प्रोविंस हैं कनाडा के वो सारे कार से कवर हो जाएंगे तो हमारा थोड़ा मोटिव कंप्लीट हो जाएगा. चलो अब जल्दी करते हैं टोल पे और आगे बढ़ते हैं. थैंक यू यूट्यूब. तो यार ओवरनाइट ड्राइव करी है पूरी की पूरी थकान ऐसी गंदी वाली हो रही है ना आंखों में मतलब नींद भरी हुई है लिटरली.
चलाने का, गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा और राहुल भाई की, दोनों की हालत ऐसी टाइट हो रखी है। और यहाँ से अपना जो होटल है वो 3-3.5 घंटे दूर है, बट प्रॉब्लम क्या है, सुबह के बज रहे 9:30 और होटल का जो चेक इन है वो मिलेगा हमारे को 3 बजे। तो विचार ये बन रहा है कि आगे एक ट्रक स्टॉप आएगा, ट्रक स्टॉप पे वहीं पर ही गाड़ी लगाएंगे, वहीं पर ही साइड में 2-1 घंटा सोने की विचार में है कि गाड़ी में ही सो जाएंगे, गाड़ी की सीट पे, कि बस आंख बंद कर ले भाई, कि टूट रही है, शरीर टूट रहा है और आंखें बंद हो रही है, लगाते हैं फिर वहां पे सोते हैं। फिर मेरे ख्याल 12-1 बजे के करीब दोबारा निकलेंगे, 3 घंटे की ड्राइव यहाँ से और बची है। केप ब्रेटन करके एक शहर है अपने नोवा स्कॉशिया में। तो चलो आगे वो आ रहा है अपना ट्रक स्टॉप, तो ट्रक स्टॉप पे आप गाड़ी लगा सकते हो, गाड़ी लगा के आप आराम से सो सकते हो वहां पर। गाड़ी के अंदर कोई ऐसी कोई मनाही नहीं है कि आप नहीं वहां पे पार्क कर सकते हो। और साथ ही साथ भाई ये कनाडा है, न्यूयॉर्क नहीं है, जहां पर हमारे को हर चीज का पैसा देना पड़ेगा। हमारे पास पार्किंग बहुत ही सारा है, बहुत ही ज्यादा है, खुली पड़ी है भाई पार्किंग, तो कोई पैसा वैसा नहीं देना, आराम से 2-1 घंटे सोते हैं, 2-1 घंटे सोने के बाद फिर दोबारा से निकलते हैं रोड पे। तो भाई फाइनली एक जगह मिली है जहाँ पर हम आराम से गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये देख लो यहाँ पर ये गैस स्टेशन है, गैस स्टेशन के यहाँ पर आराम से गाड़ी पार्क करेंगे और पार्क करेंगे यहाँ पर सोएंगे। राहुल भाई तो ऑलरेडी चित हो गए हैं, तो मेरी भी बारी आ गई है चित होने की। मैं पहले सोच रहा हूँ कि जरा अंदर जाके थोड़ा फ्रेशन अप हो जाऊँ, फ्रेशन अप होने के बाद फिर वापसी गाड़ी के अंदर आके आराम से सोऊंगा। 1.5-2 घंटा सोने का विचार है भाई। हालत होगी ये टाइट थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कांस्टेंट ड्राइव चल रही है, फिर उसके बाद बाहर ही है रोड, घर पे हार्डली मेरे ख्याल 1-2 दिन के लिए ही घर पे गए थे भाई। वही वाली बात है, घर की नींद जो अपना बेड है ना, वो अपना बेड ही होता है, चाहे कहीं पर भी किसी भी आलीशान बंगलो या कहीं पर भी जाके आप रह लो, जो अपना खुद का बेड है वो अपना बेड है भाई। तो यहाँ 2 घंटे भाई गाड़ी में ही सोएंगे जैसे तैसे करके, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ये वाला गैस स्टेशन पे भाई यहाँ पे टिम हॉर्टन्स वगैरह सब कुछ है, तो जब उठेंगे तो टिम हॉर्टन से कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी पीने के बाद फिर यहाँ से तेल भी भरवा लेंगे, तेल भी गाड़ी में आधे से हल्का सा नीचे हो गया, तो चलते हैं सोते हैं भाई। तो भाई टोटल 54 लीटर्स आया, ये गैलन नहीं है, अब मैं पहले ही बता दूँ 100, और ये 100 कनेडियन डॉलर्स है, यूएस भी नहीं है, क्योंकि अब हम आ चुके हैं कनाडा में। 184.1 यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है, 91 ऑक्टेन, तो यूएसए में था 93 ऑक्टेन। अब यहाँ से चलते हैं आगे, चलाऊंगा मैं गाड़ी, कॉफ़ी मेरी वहाँ ऊपर रखी है, एंड आप लोगों से मिलते हैं अब सीधा। कहाँ जा रहे हैं हम? केप ब्रेटन, केप ब्रेटन आइलैंड जा रहे हैं हम। चलो भाई चले यहाँ से। I remember those days we were young and had nothing to do. I used to pick you up and drive to a place we could talk for hours. Sometimes we'd run out of words to say, but we didn't mind, 'cause we could lay on the ground and just stare into each other's eyes. And I remember when you kissed me, I felt the taste of your lipstick, even the print of your ripped jeans, I can still see it all. We ran on top of buildings, just like a scene from a movie, living our life on the edge, and we'd never trip and fall, never trip and fall. हमारा जो आज का जो स्टे है वो उस वाली साइड पर कहीं पर है, एंड बिलीव इट और नॉट वहाँ पर कनाडा एंड हो जाता है भाई। इसके आगे सारा का सारा अटलांटिक ओशन है, जहाँ से बोट जाएगी, जहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी, यहीं से आगे जाकर यूके की तरफ हमारी गाड़ी जाएगी, एंड यहाँ पर हम रुकेंगे भाई। यहाँ 2 दिन का हमारा स्टे है, यहाँ पे मंडे को गाड़ी देनी है। सो यहाँ से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव है, बट यहाँ रुकना भाई बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, और वहाँ पे तो और भी ज़्यादा सीनिक पॉइंट्स होंगे। Everything was better.
चलो भाई पहुंच चुके हैं, ये हमारा रूम है, यहाँ पर ही सामने एक कार पार्क हो रखी है और ये पीछे हमारा व्यू है। सामने भाई सारे के सारे झंडे, हमारे इंडिया का झंडा वो रहा, साथ ही साथ पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, काफ़ी सारे इन्होंने फ्लैग्स लगा रखे, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के फ्लैग है। कनाडा का उस कोने में है, बीच में ये यूनाइटेड स्टेट्स का है और चाइना वगैरह सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे फ्लैग्स लगा रखे हैं। एंड दिस इज़ इट, यहाँ पर ये हमारा रूम है। चलो आपको एक बारी रूम के भी दर्शन करा ही देते हैं भाई। ये रूम है, दो डबल बेड लगे हुए हैं, छोटा सा टेलीविजन है, ये रहे हम, फ्रिज यहाँ पर है, यहाँ पर ये स्टडी लगा रखी है, क्लोजेट एंड ऑल, और ये हमारा वॉशरूम है। वेरी डिसेंट, वेरी गुड आई शुड से, मतलब जहाँ जहाँ पे हमने इतने सारे पैसे खर्च करे वहाँ के हिसाब से ये ठीक है। डिस्काउंट वगैरह लगा लोगों के भाई, ये रूम कुल मिला के 120 या $125 के करीब का है विद दिस व्यू, डेफिनेटली अमेजिंग।